भिवानी पहुंचे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जहां कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया, वहीं उदय भान अपने बयान पर कायम रहते हुए भाजपा पर पहले से भी ज्यादा हमलावर दिखे। पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी ने अपनी बेटी रवीना की शादी बड़ी ही धूमधाम से की। शादी में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान व दीपेंद्र हुड्डा आशीर्वाद देने पहुंचे। इस दौरान उदय भान व दीपेंद्र हुड्डा ने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उदय भान भाजपा पर पहले से ज्यादा मुखर दिखे, वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया। भिवानी से सरदार कृष्ण सिंह की रिपोर्ट। नवजोत रवीना हमारी बेटी जो रामकिशन जी की जो सुपुत्री, उनके ब्याह शादी के कार्यक्रम में दोनों जो है बच्चों को आप बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। पूरा इलाका बहुत उनका घर भगवान ढेरों खुशियों से भर दे। आज ही इस कार्यक्रम का जो है आना था। बाकी में आज थोड़ी थोड़ी शर्म भिवानी और हिसार की विपक्ष आपके समक्ष रैलियों के बाद ये तय हो गया है कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी विपक्षी नहीं, अब विकल्प के रूप में लोग देख रहे हैं और आने वाला समय कांग्रेस का। और कुछ नहीं, ये सबसे ज़्यादा धोखा महिलाओं के साथ इस बिल के तहत किया है। लड्डू दिखाया, करेंगे खाने को देंगे 10 साल बाद, तो ये इस सरकार की ये नीति है। तो ये पूरी तरह से विफल सरकार, इनकी जो कुत्सित मानसिकता का ये परिचायक है कि जिस तरह की भाषा संसद में और संसद सदस्य बोलता है, भड़ुआ कहता है, आतंकवादी कहता है, मुल्ला कहता है, कटुआ कहता है, उग्रवादी कहता है, ये शब्द हैं एक सांसद के। हमारे कितना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे देश विदेश में देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, किस तरह से जो नया भवन बनाया है उसका मुहूर्त किस तरह से हो रहा है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से एक संप्रदाय विशेष को, एक समुदाय विशेष को इस तरह से गालियां दी गई और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने तो सच्चाई बात की थी, हमारे भाई देहात में आपके यहाँ भी कहते होंगे भाई जो 50-52 साल से जो अपनी पत्नी को छोड़ रहेगा उसे रेंडुआ ना कहेंगे, उसे क्या कहेंगे बताओ? आपके यहाँ क्या कहते हैं? हमारे तो या तो जिसकी पत्नी डेथ हो जाती है या जो पत्नी को छोड़ देता है तो 50 साल से छोड़ रखी है तो रंडवा की तरह जिंदगी व्यतीत हो रही है, तो उसको हमारे तो रंडवा ही कहते हैं। तो उसमें मैंने कोई गलत बात नहीं की, रंडवा और पंडवा कोई हमारे तो ये आम भाषा है। सर, बीजेपी कह रहे कि आप माफ़ी मांगे, अगर गलती भी हो जाती है तो माफ़ी मांग ले। माफ़ी तो मांगना चाहिए पहले नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने किस तरह से हमारी शीर्षस्थ नेता श्रीमती सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा कहा था। क्या नरेंद्र मोदी जी ने माफ़ी मांगी? मैंने तो कहा ही नहीं कुछ भी। उन्होंने तो किस तरह से 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा शशि थरूर के, उसको किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं इनके जो शीर्षस्थ जो नेता हैं, वो पहले अपना आप को सुधार करें और पीछे किसी को नसीहत दें। हमने कोई गलत बयानी नहीं की है, जो सच्चाई थी वो हमने की है और हमारा कोई इरादा भी नहीं था वो भी हमने है, कोई ना नाम लेके कहा ना कुछ कहा, हमने ऊपर नीचे कहा कि ऊपर हंडवा नीचे पंडवा, ये कोई ऐसी बात नहीं थी।